हेलो तो गाइस, तो दोस्तों आज मैं आपको बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम की जितने भी सेटिंग है तो सब सेटिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं जब हम बस गेम खेलेगा तो बस गेम के दौरान हमारा गेम में जो अंधेरा अंधेरा होता है या बारिश बारिश होता है, ठीक है, ऐसी बहुत सेटिंग है जब आपको पता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बस गेम में जितने भी सेटिंग है तो सब सेटिंग के बारे में मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो जितनी भी सेटिंग है आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, सब सेटिंग के बारे में आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को मेरे बात फुल समझ आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑल पे कर ताकि मजीद ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो पहले सेटिंग आपको आएगा प्री मोड। प्री मोड का ही मतलब होता है जब आपके पास एम भी नहीं है, डेटा ऑफ है, आप प्री मोड पे गेम चला सकती है, ठीक है। आसानी से आप जब आरडी के पास जाएगा आपके पास प्री आता है, एड्स नहीं आएगी, ठीक है। प्री मोड का ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है किराया मोड, किराया मोड का ये मतलब होता है जब आपके पास एम भी होना चाहिए, आपका डाटा ऑन होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेगा आप आरडी से सवारी उठाते हैं, दूसरा आरडी तक जाएगा, ठीक है, वो आपको किराया देता है, किराया पे जमा होता है, आप बस पे बत्ती लगा सकती है, दूसरा बस आप खरीद सकती है, ठीक। किराया मोड का ये मतलब होता है, ठीक। यहाँ पे जो तीसरा नंबर ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप मैप को सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ जाएगा आप यहाँ पे वही मैप को आप आसानी से सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। जितने भी मैप है बस लिमिटेड इंडोनेशिया में सब मैप यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जो चार नंबर ऑप्शन है, ठीक है, मल्टी प्लेयर मोड, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेगा तो आपसे 40,000 रुपये मांगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे रोम खेल सकती है दोस्तों के साथ, बसानी से आप यहाँ पे रोम खेल सकती है दोस्तों के साथ, वीडियो शूडियो आप बना सकती है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑप्शन है नीचे गैराज का, गैराज का ही मतलब होता है, ठीक है। जब आप गैराज पे क्लिक करेगा तो आपके पास गैराज ओपन होगा, ठीक है। गैराज का मतलब ये होता है जब आप बस पे बत्ती वगैरह लगा जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, बस कलेवरी अभी यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो उसकी नंबर आता है शॉप का, शॉप का ये मतलब होता है, ठीक है। जब आप शॉप पे क्लिक करेगा तो आपके पास बस लिमिटेड इंडोनेशिया में जितनी भी गाड़ी है, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी गाड़ी आप खरीदेगा, ठीक है, वही गाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। शॉप का ही मतलब होता है, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे कम है, अगर आपके पास पैसे है तो गाड़ी यहाँ पे खरीद होता है, ठीक है। शॉप के नीचे जो एक ऑप्शन है ड्राइवर का, ठीक है। जब आप ड्राइवर का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में जितने भी ड्राइवर है वो आपके पास शो होगा, ठीक है। तो जो ड्राइवर आप खरीदेगा या पे आप ड्राइवर बसानी से खरीद सकती है, ठीक है। तो ड्राइवर के नीचे जो ऑप्शन है मोड, अगर आप ए मोड पे क्लिक करेगा तो आपके पास जब गेम में आपने डाउनलोड किया मैप या मोड आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पे ऐड होगा, आप देख सकती है। जब इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आसानी से आप मोड को ऐड सकती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है मैप, यहाँ पे आप मैप को भी ऐड कर सकती है। मैंने फिलहाल एक मैप को सेलेक्ट किया, अगर आप मैप लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से मैप को सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है, ठीक है। जब आप ये सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगी, ठीक है। आप सोचेगा यार आप कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे सेट करेंगे। आपकी जब गेम में अंधेरा अंधेरा होता है, ठीक है, बारिश होता है, वो सब या इस सेटिंग में होता है, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपने कैसे सही करना है, तो सब तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन एक स्टीयरिंग वाला मिलेगा, ठीक है। जब आप गेम स्टीयरिंग पे खेलेगा तो आप जो स्टीयरिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, आप गेम स्टीयरिंग पे खेल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन का ये मतलब होता है, ठीक है, जब आप मतलब मोबाइल स्क्रीन को ऐसे ऐसे घुमाते हैं मतलब आप गेम चलती है, ठीक है। या फिर जो तीसरा वाला ऑप्शन है, जब आप ए वाला ऑप्शन लगाएगा, ठीक है, गेम पे, तो आपके पास एक दूसरी तरफ बटन हो जाता है, ठीक है, स्टीयरिंग गुम हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, इस एक दूसरे तरफ मतलब बटन हो जाता है, ठीक है। ये इसके मतलब ऑप्शन ही है, ठीक है। इसके बाद आता है इस तरफ ऑप्शन की, ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर जाए, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सेटिंग लगाया है, ठीक है, आप खुद ये सेटिंग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अमेजिंग सेटिंग है, बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इस सेटिंग से ले लो, आप खुद ये सेटिंग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे नीचे होता है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त अहम सेटिंग है, आपने ये ज़रूर करना है। जब आप बस पे सवारी बिठाते हैं, ठीक है, गाड़ी के पास खड़े हो जाता है, अगर आपके पास में सवारी बैठ जाते हैं वो सारा गायब हो जाता है, ठीक। अगर आप ये सेटिंग मतलब करेगा, ये सारा सेटिंग फुल करेगा, आप अगर आपके गाड़ी पे खड़े हो जाते हैं मतलब आपके बस पे सवारी बैठ जाते हैं वो सारा नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने 100-100 रुपये करना है, फुल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, अगर आपके पास मतलब अंधेरा अंधेरा है, ठीक है, वो इस ऑप्शन पर आपका गेम, ठीक है, आपने यहाँ पे करना है बीच में, ठीक है। अगर आपके गेम में बारिश वगैरह होता है, ठीक है, आपने यहाँ पे ऑन करना है या ऑफ करना है, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दूसरा होता है जो रोडों का जो लाइटिंग होता है, ठीक है, जब रोड को लाइट लग जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस काम की, ठीक है। तो बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में जितने भी सेटिंग है मैंने आपको मुकम्मल बताया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑल पे कर ताकि मजीद ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।